चाहिए दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं मैथ्स में, रेलवे का मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड सवाल। आज हम लोग सवाल डिविजिबिलिटी रूल्स जितना भी सवाल आया है एक बार तो हम लोग कंसेप्ट के साथ देखें, फिर हम लोग सिर्फ सवाल देखें, उसमें से आपका एक पार्ट हो गया है और आज हम लोग सवालों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो एकदम शिद्दत से समझिएगा चीज़ों को, बढ़िया से, बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ से आ रहा है और आगे भी सवाल आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीका का लेवल, जिस तरीका का सवाल एसएससी में टीसीएस पूछता है, पूछ रहा है, उसी तरीके का सवाल रेलवे में भी डालना शुरू कर दिया है। इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक का, आज तक में आप समझिए, आज तक में, आज आपका तारीख है 8 तारीख, 8 जून 2023, तो आज तक मतलब कल तक के एग्जाम में आए हुए सवाल भी हम आपको बता देंगे, मतलब ऐसा है, इस लेवल तक हम लोग खोज रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से, जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। अब कौन सा संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है, हर एक तरीका से सवाल पूछ रहा है। एक तो आपको नंबर्स दे के उनके बीच में ए बी और एक्स वाई जेड डाल दे रहा है, दूसरा सीधा सीधा नंबर्स दे के भी आपसे सवाल पूछ रहा है। अब इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से भी जाएगा और 11 से, दोनों संख्याओं से भागा जाएगा। तो अब देखिए, अगर कोई भी संख्या 7 और 11 से डिविजिबल है या 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो उसको हम कैसे देखते थे, तीन तीन का पेयर बना लेते थे और पेयर का डिफरेंस देख लेते थे। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो संख्या सिर्फ 7 से डिविजिबल है, अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो संख्या 11 से डिविजिबल है, अगर डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो संख्या 13 से डिविजिबल है, अगर डिफरेंस तीनों से डिविजिबल है तो संख्या भी तीनों से डिविजिबल है, अगर डिफरेंस सिर्फ 7 और 11 से डिविजिबल है तो संख्या सिर्फ 11 और 7 से डिविजिबल है, अगर डिफरेंस सिर्फ 13 और 7 से डिविजिबल है तो संख्या सिर्फ 7 और 13 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा बात है। अब कहेंगे सर कि हम यहाँ पे 7 का भी चेक कर लेंगे और 11 का भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हम आपको दोनों का रूल बताए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं करना, आपको डिफरेंस का पेयर बना लीजिए। तो देखिए, जो पहला संख्या है, कौन सा मार्कर उठाएं, ब्लू कलर का मार्कर उठाते हैं, ठीक है। तो जो पहला संख्या है, देखिए 16,324, एक जीरो लगा दीजिए, तीन तीन का डिफरेंस, इधर से इधर घटाइए, तो भैया 324 में 16 गया, 324 में 16 गया, तो 14 में 6 गया तो 8, एक में एक गया 0, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2, 3 बच गया, 308। क्या 308 7 से डिविजिबल है? देखिए, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, हाँ 7 से डिविजिबल है, ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल हो जाए, कसम से पहला ही ऑप्शन आपका एग्जामिनर दिया है, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए तो बात बन जाएगा। तो देखिए, अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो भाई देखो, 11 दूना 22, 11 8 88, हाँ 308 11 से भी डिविजिबल है, मतलब पहला ही ऑप्शन दिख गया जो 16,324 है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर पहला ऑप्शन हमें ना दिखता तो हम अगला ऑप्शन चेक करते, जैसे कि 12,235, समझिएगा 12,235। अब तीन तीन का पेयर बनाइए तो एक जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। तो भाई आप इधर से इधर घटा सकते हैं या इधर से इधर घटा सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, जो आसान होगा उसी काम को करना है, जो जल्दी होगा वही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 235 में भैया 12 गया, कितना बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 223। क्या 223 7 से डिविजिबल है? तो भाई 7 × 21 13 बचा, नहीं डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो 11 × 2 = 22 3 बचता है, नहीं डिविजिबल है। मतलब ये संख्या ना तो 13 से ना तो 7 से डिविजिबल है। इसी तरीका से अगर ये ना होता तो हम इस पे जाते, इस पे जाते, बात समझ रहे। तो तीन तीन का पेयर बना के चेक कर लीजिएगा,
ठीक है, एकदम एक से बढ़ के एक सवाल पूछा गया है सेम पैटर्न पे। कहता है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो 9 और 11 में हम तीन तीन का पेयर नहीं देखेंगे। तो सबसे आसान क्या है कि यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर ले कि कौन कौन संख्या 9 से डिविजिबल है पहले। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर नंबर्स का डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। समझ गए बात को। क्या बोले कि कोई भी संख्या हो उनका अंकों का जो जोड़ होगा, उनके अंकों को जोड़ने पे जो नंबर मिलेगा, अगर वो संख्या 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, जोड़िए 9 9 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। अब ये 9 से डिविजिबल है तो यही मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसको देखिए 8 और 1 9 9 9 से, ये भी 9 से डिविजिबल है। इसको देखिए 8 और 2 10, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखिए 8 और 1 9 7 बच रहा, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। मतलब दो संख्या, एक ये 10089 और 10098, ये दो संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। अब इन दोनों में से एक ही संख्या ऐसी होगी जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अब तीन तीन का पेयर लगा के चेक कर लीजिए, या अल्टरनेट डिजिट का सम चेक, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस चेक कर लिए, जो आपको समझ में आता है आप लगाइए। तो हम तीन तीन का पेयर चेक करते हैं। तो भैया एक पेयर ये बना और एक पेयर आपका ये बना, तो इधर जीरो लगा दिए, ठीक है। तो 89 में 089 में हमें घटाना है 0110। तो देखिए यहाँ 9 गया और यहाँ 7, क्या बचा 79। क्या 7911 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं। आंसर मेरा फिक्स हो गया बी, 10098 7 9 से तो है ही और साथ ही साथ ये 11 से भी डिविजिबल है। चेक कर लीजिए। तो भाई यहाँ तीन तीन का पेयर बना लो, एक जीरो इधर लगा दो, तो 098 में घटा दो 10, तो कितना बच जाएगा 88। देखिए 88 11 से डिविजिबल है, मतलब ये 10098 पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। एकदम इसी तरीके से यही मेथड आपको एग्जाम में रखना है। अगर आप इससे कोई बेहतर अप्रोच सोच सकते हैं तो ज़रूर सोचिएगा, फ़ायदा होगा। इससे बेहतर अप्रोच आप सोचिए, आप सोच सकते हैं, आपसे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता है क्योंकि आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप सोचिए, एकदम आसान सवाल है। कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन, मेक 39625 8 एन इज डिविजिबल बाय 8। 39625 58 एन को 8 से विभाज्य बनाने के लिए एन का मान क्या होना चाहिए? ना अधिकतम बोला है ना न्यूनतम बोला है, चार ऑप्शन दिया है। आप ऑप्शन का यूज करके आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात रही कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो कैसे जानेंगे? तो अगर संख्या छोटी है, दो अंकों का है, तो सीधा देख लेंगे 8 का टेबल में है कि नहीं। अगर संख्या 3 अंकों का है तो सीधा 8 से भागा लगा देंगे। अगर संख्या बड़ा है, 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक, इतनी बड़ी संख्या है, तो हम अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, ये जानने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो संख्या में आखिरी का जो 3 अंक है, मतलब इस संख्या का आखिरी का जो 3 अंक है 58n, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो अब हम n का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं रखेंगे, चार ऑप्शन है, कोई चारों को रख के चेक कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर हम सिर्फ 58 का बात करते हैं तो 58 को जब 8 से भागा देंगे तो शेष बचेगा 2, 8 7 56, 8 7 56 शेष बचेगा 2। अब यहाँ पे 2 के साथ क्या रख दे कि संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए? तो कहेंगे सर 2 के जगह पे आप 4 रख दीजिए ना, 2 के जगह 4 रख दीजिए, 24 हो जाएगा और 8 3 24 का कट जाएगा, मतलब n का वैल्यू क्या आया, 4 आया। सिंपल सा बात है, 2 रखेंगे 22 होगा, 8 रखेंगे 28 होगा, 4 रखेंगे 24 होगा, 6 रखेंगे 26 होगा। तो भैया क्या रख दे सर, 4 रख देंगे, 8 3 24 कट गया नंबर, मतलब n का वैल्यू क्या होगा,
चार होगा और ये हमारा आंसर होगा, सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने में। बहुत अच्छा सवाल है जो TCS CHSL में पूछा है, रेलवे में भी पूछ सकता है क्योंकि रेलवे में इस तरीका का सवाल पूछना शुरू हो गया है, इसीलिए हम आपको बिल्कुल अपडेट रख रहे हैं, अपडेटेड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, समझिएगा चीज़ों को। देखिए कहता है कि इफ़ द 9 डिजिट नंबर 5P42978N6 इज डिविजिबल बाय 72, ये जो नंबर है 72 से डिविजिबल है, आगे क्या बोलता है इसको आप सुनिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2P-1, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। वेयर n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n क्या है यहाँ पे, n का वैल्यू जितना भी होगा उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को लेना है, जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो लेना है। गिवन दैट पी एंड एन आर नेचुरल नंबर, क्या बोला है कि जो पी है और एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। यदि 9 अंकों की संख्या 5P42978N6 72 से डिविजिबल है तो 2P-1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा है। हम दोनों लैंग्वेज में सवाल इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको सवाल पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आए, सवाल को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। जहां n के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा है, दिया गया है कि p और n जो है आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। देखिए अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये बात पक्का है कि ये संख्या 8×9 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ n के बारे में बात किया है और n मेरा दूसरा नंबर पे है, मतलब अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो संख्या का जो आखिरी का 3 अंक है वो 8 से डिविजिबल होगा। ये बात आप समझते हैं, अगर हम संख्या को एक बार लिखें मेरे भाई 5P42978N6, तो संख्या का जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8N6 है, 8N6 है, मतलब ये संख्या 800 कुछ और 6 होगा, हो सकता है 856 होगा, हो सकता है 896 होगा, हो सकता है 886 होगा। n तो हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब n का वैल्यू हम 1 से लेके 9 तक रख सकते हैं, 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि n सिंगल डिजिट नंबर है। तो बोला क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट सब, अगर हम n का वैल्यू रखने बोले तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या n रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 के बाद 8 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा इसको डिविजिबल करेगा, इसको डिविजिबल बनाएगा, वही संख्या लेंगे। तो ये संख्या आप देखिए, सिंपल सा बात, आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये संख्या देखिए, एक चीज आपको समझाते हैं, क्या हम इसको 800 प्लस n और 6, 800 n 6 लिख सकते हैं? तो भाई 800 तो 8 से डिविजिबल है, समझिएगा बात को, 800 तो 8 से डिविजिबल है, तो n के जगह पे क्या रख दे, 9 रखते हैं तो 96 होता है, 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 रखते हैं तो 8 पर 6 86 होता है, 8 से डिविजिबल नहीं है। 7 रखते हैं, 7 पर 6 76 होता है, 8 से डिविजिबल नहीं है। 6 रखते हैं, 66 होगा, 8 से डिविजिबल नहीं है। 5 रखते हैं तो 56 होगा जो कि 8 से डिविजिबल है, तो 5 भी होगा। 4 रखेंगे 46 होगा, 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 रखते हैं 36 होगा, 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 रखते हैं तो 16 होगा जो कि 8 से डिविजिबल है। मतलब n के लिए दो नंबर जो है पॉसिबल है, या तो 5 या तो 1, या तो 5 या तो 1। तो सवाल में क्या बोला है, सेकेंड लार्जेस्ट, तो 1 तो सबसे छोटा है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गया, 5 हो गया, मतलब n का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब देखो इतना काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये काम हम आपको पूरी तरीका से कंसेप्ट को समझाने के लिए किए हैं, समझिएगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में उतर जाए उसके लिए किए हैं। आप सीधा देखिए भाई, यहाँ पे हम n के साथ क्या रख दें जो ये संख्या कट जाए, तो भाई 5 रख देंगे 56 हो जाएगा, 8×7=56, तो सेकेंड लार्जेस्ट, देखिए
नौ भी तो अगर हम यहाँ पे नौ रख दें, एन का वैल्यू, सॉरी एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गया, नाइन रखेंगे तब भी तो जाएगा, नाइन भी तो जाएगा। देखिए जिस तरीका से यहाँ पे नाइन रखेंगे छियानवे होगा, पाँच रखेंगे छप्पन होगा और एक रखेंगे सोलह होगा। मिस्टेक हो गया, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम छियानवे को देखते हैं तो छियानवे भी आठ से डिविजिबल है, छप्पन भी आठ से डिविजिबल है और सोलह भी आठ से डिविजिबल है। बारह सत्तर चौरासी, बारह अठी छियानवे, तो एन का तीन वैल्यू आया, नाइन फाइव वन। बोला क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा। तो नौ तो सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है, दूसरा सबसे बड़ा कौन है, फाइव। मतलब एन का वैल्यू क्या होगा, फाइव होगा। एन का वैल्यू क्या होगा, फाइव होगा, पाँच होगा। नौ क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है दूसरा सबसे बड़ा। तो इतना सा काम हम आपको समझाने के लिए किए हैं। अब बस वैल्यू रख के यहाँ मन मंदिर में डिवाइड करके सोच लीजिएगा, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। अब जरा देखिए एन का वैल्यू क्या मिला, तो जी फाइव मिला। एन का वैल्यू क्या मिला, फाइव मिला। अब जब एन का वैल्यू पाँच मिल गया यहाँ पे, एन का वैल्यू यहाँ पे पाँच मिल गया, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखेंगे, पाँच रखेंगे। एन का वैल्यू क्या रखेंगे, पाँच रखेंगे। अब ये संख्या जो है नौ से भी तो डिविजिबल है, तो संख्या अगर नाइन से डिविजिबल है तो इसका डिजिट का सम भी नौ से डिविजिबल होगा। देखिए नौ से डिविजिबल होगा, तो देखिए ध्यान से, पाँच और चार नौ, नौ से गया, नौ खुद नौ से गया, सात और दो नौ से गया। अब देखिए क्या क्या बच गया, आठ और छः चौदह, चौदह चौदह और पाँच उन्नीस, चौदह और पाँच उन्नीस, उन्नीस बच गया प्लस पी बच गया। अगर इसको नाइन से डिविजिबल बनाना है, अगर इसको नाइन से डिविजिबल बनाना है तो आठ और पाँच, मिस्टेक हो गया क्या, आठ और छः चौदह, आठ और छः चौदह, चौदह पाँच उन्नीस, ठीक है। हाँ उन्नीस प्लस पी, तो पी की जगह पे क्या रख दें, पी के जगह पे क्या रख दें, तो अगर हम पी के जगह पे आठ रख दें तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 आपका 9 से डिविजिबल है, मतलब पी का वैल्यू क्या आया, पी का वैल्यू आया आपका 8। अब पी का वैल्यू ही तो चाहिए, 2p-1, तो 8 दूना 16 माइनस 1 15। इस सवाल का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा अच्छा सवाल TCS आपसे पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। TCS ने बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया है, कहता है कि इफ़ एट डिजिट नंबर 4432A43B इज डिविजिबल बाय 9 and 5, डिविजिबल बाय 9 and 5, ये जो नंबर है 4432A43B इज डिविजिबल बाय 9 and 5, देन द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू। फंसना तय है, आप यहाँ पे फंस सकते हैं, लेकिन आपको समझाते हैं आप नहीं फंसिएगा। देखिए ये नंबर जो है आठ और पाँच दोनों से डिविजिबल है। अब आप कहेंगे सर आठ और पाँच का तो आपको एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बताए नहीं है, अगर कोई संख्या नौ और पाँच का, अगर कोई संख्या नौ और पाँच से डिविजिबल है तो आप ये भी जान लीजिए कि वो संख्या नौ गुने पाँच 45 से भी डिविजिबल होगा। तो ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि ये जो संख्या है 45 से डिविजिबल है, ठीक है, और सवाल का रूप थोड़ा चेंज कर सकता था। इस सवाल पे आते हैं, ये संख्या 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ए और बी का योग क्या है, सम क्या है। देखिए अब आप कहेंगे सर इसके लास्ट में क्या है, बी है, इसके लास्ट में क्या है, बी है। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो ये तय है कि उसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। मतलब बी का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या आप कैसे सोचिएगा कि आप एक बार में आंसर दे पाए। देखिए अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इनका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। देखिए तो 4 4 8 8 8 और 3 11 11 और 2 11 और 2 13 4 3 7 20। मतलब ये जब हम इसके डिजिट को जोड़ते हैं तो आता है आपका 20 प्लस ए प्लस बी, यही आता है। देखिए अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का जोड़ भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे सर
कि अगर हम a प्लस बी का वैल्यू 7 रख दे, 7 कर दे, तो 20 और 7 27, 27 9 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। तो 9 से तो डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी का जो जोड़ है वो 7 होगा, वो 7 होगा। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी का जोड़ ही तो पूछा है, अगर हम a प्लस बी के जगह पे 12 रखते हैं तो 20 और 12 32 होता है, 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम a प्लस बी के जगह पे 5 रखते हैं, क्योंकि पूछा क्या है a और b का जोड़, a प्लस बी हमसे पूछा है, अगर हम a प्लस बी के जगह पे 5 रखते हैं तो 20 और 5 25, 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 रखेंगे तो 20 और 7 27, 7 से 9 से डिविजिबल है। 8 रखेंगे 20 और 8 28, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 7। अब डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि 7 कैसे सही है, कैसे सही है। तो आप एक बात तो ये बात समझ गए कि a प्लस 20 a प्लस बी बराबर ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अब b हमारा लास्ट में है, तो अगर ये संख्या 5 से भी तो डिविजिबल है, तो b के जगह पे या तो 0 रखेंगे या तो 5 रखेंगे। अगर हम b का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें a का वैल्यू 7 रखना होगा, a का वैल्यू 7 रखना होगा। अगर b का वैल्यू 0 रखते हैं तो a का वैल्यू 7 रखना होगा, क्योंकि 20 और 7 27 प्लस 0 27, 9 से डिविजिबल है। अगर हम b के जगह पे 5 रख दें तो भाई a का वैल्यू 2 रखना होगा, क्योंकि 20 और 2 22 और 5 27, 20 और 2 5 20 और 2 22 और 5 27। तो a का b का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो a का वैल्यू 7 आया, b का वैल्यू अगर हम 5 रखें तो a का वैल्यू 2 आया। b का वैल्यू या तो 0 या तो 5, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा संख्या, ठीक है। अब देखिए हमें a प्लस बी पूछा है, तो इनको जोड़िए, 7 प्लस 0 7, 5 और 2 7, दोनों ही सूरत हाल में हमारा आंसर क्या आया, 7 आया। तो ये बात आप समझ गए। तो इसको इतना करने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है भाई, 9 से डिविजिबल है। तो हम देख लिए इसके अंकों का जोड़ 20 प्लस ए प्लस बी आया। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना रखे, और ए प्लस बी का मान ही तो पूछा है। चार ऑप्शन है, लगा दो दिमाग। 12 रखें 20 और 12 32, 9 से डिविजिबल नहीं। 5 रखें 20 और 5 25, 9 से डिविजिबल नहीं। 7 रखें 20 और 7 27, 9 से डिविजिबल है। ठोक दो आंसर, निकल जाओ आगे। बात समझ में आया। सोचना नहीं है, किसी को ऐसे बना के दिखाना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए है सर। बात समझ में आया। स्वादिष्ट सवाल जो है TCS आपसे पूछ रहा है, और देखिए रेलवे के एग्जाम में भी डालेगा सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में, कहीं ना कहीं एक तो डाल रहा है और आगे भी डालेगा। एकदम आसान सवाल है, कहता है कि इफ द सिक्स डिजिट नंबर्स x35624 एंड 1257y4 आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72। दो छः अंकीय संख्या है, छः अंक की दो संख्या है, एक तो ये संख्या है x35624 और एक संख्या है 1257y4 आर डिविजिबल बाय, एक 11 से डिविजिबल है और एक 72 से डिविजिबल है रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। एकदम आसान सवाल है, मतलब ये जो संख्या है x35624 ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, और एक जो दूसरी संख्या है 1257y4 ये संख्या 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 9 से डिविजिबल है। ये बात आपको समझ में आया, ये बात पूछा है, ये बात दिया हुआ है, और 5x माइनस 2y का वैल्यू हमसे पूछ लिया है। तो इसका जवाब हम तभी दे पाएंगे जब x और y का वैल्यू निकाल लें। अब देखिए सबसे पहले x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो मेरे भाई आप दो तरीका से यहाँ देख सकते हो, एक तो इसका ओड इवन प्लेस का सम का डिफरेंस देख लो, या तीन तीन का पेयर बना लो, दोनों ही सूरत हाल में आपका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम ओड इवन देखते हैं, जहाँ हम आपको क्या बोले, जहाँ जो आसान लगे उसी को अप्लाई कर दो। तो
चार और छः चार दस, दस और तीन तेरह, ये हो गया तेरह। अब देखिए पाँच और दो सात, सात प्लस एक्स, तो एक्स में क्या जोड़ दें कि जुड़ के तेरह हो जाए। तो आप कहेंगे सर सात प्लस एक्स है तो छः जोड़ दीजिए, तो सर एक्स का वैल्यू क्या मिला, सिक्स मिला। एक्स का वैल्यू क्या मिला, सिक्स मिला। एक्स का वैल्यू मिल गया, अगर एक्स का वैल्यू सिक्स मिला तो भैया फाइव इंटू सिक्स छः पचे तीस माइनस, अब वाई का वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये नंबर जो है मेरे भाई 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जोड़ दो, सात और दो नौ, नौ से डिविजिबल है, पाँच चार नौ और एक दस, दस प्लस वाई क्या आया, दस प्लस वाई। वाई की जगह पे क्या रख दें ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल हो जाए, आप कहेंगे सर 8 रख दीजिए, 10 और 8 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, मतलब वाई का वैल्यू क्या मिला, 8 मिला। अब थोड़ा ये भी चेक कर लीजिए कि जब यहाँ वाई की जगह पर 8 रखें तो इसका आखिरी का तीन अंक 8 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 784, 784, 784। तो सात से आठ से भाग दीजिए, आठ नवा बहत्तर, छः चौंसठ, अठी अठी चौंसठ कट गया, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8 आया। तो y का वैल्यू यहाँ 8 रख दीजिए, आठ दूना 16, 30 में 16 गया, 14 आपका आंसर हो गया। अच्छा अच्छा सवाल, तरीके का सवाल, ढंग का सवाल TCS पूछता है, इसी तरीके का माइंडसेट आपको रखना होगा कि अगर इससे मुश्किल भी पूछ दे तो कंसेप्ट रहेगा तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक, देखिए मतलब बढ़िया बढ़िया लेवल का सवाल आपसे पूछा है, मतलब चाहता है कि आप बढ़िया से पढ़ के जाइए, ऐसे जैसे तैसे पढ़ के जाएंगे, फांकी मार के पढ़ के जाएंगे, इधर उधर का रील्स देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, फलना ढकना का क्लास में जाएंगे, इसके क्लास थोड़ा, उसका क्लास थोड़ा, उसका कोर्स थोड़ा, उसका कोर्स, सबका टेस्ट लेंगे, आपका टेस्ट बेकार हो जाएगा और फिर एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। कहता है कि इफ़ द नाइन डिजिट नंबर 708x6y8z9 इज डिविजिबल बाई 99, 99 से डिविजिबल है, 99 से डिविजिबल है, तो भैया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। ये जो नंबर है 99 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। अगर संख्या 99 से डिविजिबल है तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम आपको नहीं बताए, लेकिन ये बात तय है अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 और 11, 11 9 99 दोनों से डिविजिबल है। ये बात आपको समझ में आया। अब देखिए अगर इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा, और ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो इसका, या तो आप तीन तीन का पेयर बना लो, तो तीन तीन का पेयर एक्स वाई जेड जो है आपको दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे ना आप अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देख लेना आसान हो जाएगा, समझिए बात। तो ये संख्या आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले डिजिट को जोड़ लो, तो 7 और 8 15, 15 और 6 23, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 21 और 7 और 8 15, हम गलत नंबर तो नहीं लिखते हैं भाई, हम नंबर गलत लिख दिए, एक मिनट एक मिनट, वेट 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 वेट, ठीक है ठीक है। तो 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 9 30 और 8 38, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो ये 38 हो गया, प्लस बचा x प्लस y प्लस z, ये पूरा संख्या 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर ये संख्या, देखिए ये 9 से भी डिविजिबल है अगर क्या, और 11 से भी डिविजिबल है, और ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो इसके अल्टरनेट डिजिट का सम देखो, देखो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23, 23, 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, मतलब 38 माइनस में क्या आया, z प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जीरो, मतलब माइनस में क्या है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनका डिफरेंस या तो जीरो आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। अब देखिए दोनों ही केस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको रखना है और यही आपसे पूछा भी है। आप लोड मत लो, आप कुछ मत सोचो, आप ऑप्शन की तरफ देखो। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो दोनों जगह सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर भाई 38 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े, 38 में क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए, और यहाँ 38 में क्या घटाए कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए, यहाँ 9 से और यहाँ 11 से। तो देखिए अगर हम 27 को यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ 27 को घटाते हैं तो 38 में 27 घटा दिए तो आपका हो गया 38 में 27 घटा दिए तो 3 और 8 11 कितना बचा, 11 बचा। यहाँ पे 11 बचा तो भाई 11 तो 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ अगर 27 हो तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को भी यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो अगर 38 और 27 हम जोड़ते हैं तो हो जाता है देखिए 7 2 9, ये तो 9 से डिविजिबल है लेकिन ये 8 3 11 ये 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 27 हमारा नहीं होगा, 27 नहीं होगा। 5 तो 38 और 5 43, 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा। 16 38 और 16 भाई 8 और 3 11, 8 और 3 11 6 और 1 7, 11 और 7 18, 9 से डिविजिबल है। अगर यहाँ 38 में 16 घटाते हैं तो भैया 22 बचता है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दोनों जगह क्या आया, 16 आया, यहाँ भी 16 आया और यही हमसे पूछा है। सीधा आंसर ठोक के निकल जाएंगे, सीधा आंसर करके निकल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आया? देखिए बढ़िया बढ़िया तरीके का सवाल जो है तरीके से जो है TCS आपसे पूछता है, तो आप भी तरीके से पढ़िए। रेलवे मजाक नहीं है, बहुत बड़ा भीड़, बहुत बड़ा क्राउड एग्जाम देने जाता है, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, करोड़ करोड़ लोग फॉर्म भर देते हैं, 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 98 लाख, 95 लाख, 40 लाख ऐसे भर देते हैं, और उस और सीट जो है वो हजारों में है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात आप समझिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है।